नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में शुक्र देव के बारे में। जब कुंडली में शुक्र देव खाना नंबर 4 में हो तो उसके हमें क्या फल मिलते हैं। दोस्तों, कुंडली के अकॉर्डिंग खाना नंबर 4 जो है दोस्तों, वो चंद्रमा का घर माना गया है। फोर्थ हाउस जो है दोस्तों, वो हमारे सुख साधनों का है, हमारी माता का है, और कहीं ना कहीं हमारे घर में जो भी फैसिलिटीज होती हैं हमारे परिवार में, हर एक चीज़ का जो सुख हम भोगते हैं दोस्तों, वो सब हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा के घर में गुरुदेव उच्च के हैं, मंगल नीच के हैं दोस्तों। तो शुक्र कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शुक्र है हमारी गृहस्थी जातक की स्त्री, और कहीं ना कहीं ऐशो आराम जो है वो शुक्र हैं दोस्तों। कुंडली की बात करें तो कुंडली में खाना नंबर 2, खाना नंबर 7 शुक्र के खुद के भाव हैं। अब अगर आपको ग्रहों की प्रेडिक्शन देखनी हो दोस्तों, तो आप खाना नंबर 2 और 7 को जरूर देखें, क्योंकि इन भावों के जो राशि के स्वामी हैं वो शुक्र देवी ही हैं। अब कुंडली में खाना नंबर 4 जो है दोस्तों, वो चंद्रमा के अधीन है। शुक्र स्त्री ग्रह है, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है दोस्तों। तो कुंडली में शुक्र जब चंद्रमा के घर में आएंगे तो दोनों का आपस में जो है दोस्तों, वो दुश्मनी का संबंध है, मित्रता नहीं है। दोनों सॉफ्ट ग्रह हैं दोस्तों। कुंडली में जो सॉफ्ट ग्रह होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जातक को ज़्यादा परेशान करते हैं। चंद्रमा आपका मन है, शुक्र है आपकी ऐश। अब जब दोनों ग्रह इकट्ठे होंगे या शुक्र चंद्रमा के घर में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुंडली में चंद्रमा का नाश होगा। शुक्र भी जब कुंडली में दोस्तों पीड़ित होते हैं, तो उसकी जो बलि का बकरा, जो उसकी प्रॉब्लम होगी, वो चंद्रमा के ऊपर ही आएगी, मतलब आपके मन के ऊपर ही आएगी। अब दोस्तों, आपने एग्जांपल के तौर पर समझें कि आपने कोई भी चीज़ खरीद ली, पैसे से खरीदी, आपने किसी चीज़ का भोग किया, लिक्विड कैश जो है वो चंद्रमा को देखते हैं हम। शुक्र आपकी लग्जरी है, आपने घर के लिए कोई अपना साधन खरीदा, जब पैसा आपने जहाँ पे खर्च किया अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए, तो शुक्र को आपने लिया, चंद्रमा का नाश हुआ। चंद्रमा यानी कि आपका पैसे का नाश हुआ। तो इसी तरह से कुंडली की हम प्रेडिक्शन निकालते हैं दोस्तों, चंद्रमा खाना नंबर 4 में होंगे तो शुक्र खाना नंबर 4 में होंगे तो चंद्रमा का नाश होगा। अब कुंडली की बात करें दोस्तों, तो कुंडली में शुक्र आपकी स्त्री है, मैरिड लाइफ है, आपके ऐशो आराम है। तो खाना नंबर 4 में जब भी शुक्र आते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कुंडली में ऐसे इंसान के, जातक की कुंडली में ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम, सुख साधन सब भोगता है दोस्तों। उसके घर में हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो होती हैं, अच्छे बाग बगीचे, उसे शौक भी होता है दोस्तों इन चीज़ों का, अपने घर में सब कुछ एक्यूरेट हो। लेकिन अगर हम उसके सुख की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। सब कुछ होने के बावजूद भी जो उसका मन होगा वो फिर भी परेशान रहेगा दोस्तों। शुक्र खाना नंबर 4 की ये विवेचना है। शुक्र आपकी स्त्री है तो चंद्रमा आपकी माता है, तो जातक की स्त्री और जातक की माता का आपस में जो संबंध होगा वो भी कहीं ना कहीं क्लेश में रहेगा दोस्तों। शुक्र खाना नंबर 4 में दोस्तों ऐसे जातक की 2 स्त्रियों का योग बनता है, 2 शादियों का योग बनता है। इन केस अगर आपकी 2 शादियां नहीं हुई हैं या फिर आपका कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, तो शुक्र खाना नंबर 4 वाले को अपनी स्त्री से ही दोबारा फेरे ले लेने चाहिए। खाना नंबर 4 के शुक्र के लिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ऐसा इंसान अपना करेक्टर ठीक रखे, क्योंकि शुक्र स्त्री है और मन चंद्रमा है, तो ऐसा जातक अगर अपने भोग के लिए दूसरी स्त्रियों का करैक्टर अपना लूज कर ले, या शराब, नॉनवेज, नशे की तरफ चला जाए, तो चंद्रमा आपका पहले से ही पीड़ित है दोस्तों।
शुक्र की चाहत में आपने चंद्रमा का अगर नाश कर दिया तो ऐसा इंसान नशेबाजों का सरदार बन जाएगा दोस्तों। नशा अगर उसको लग गया तो वो छोड़ नहीं पाता दोस्तों। ये शुक्र खाना नंबर चार की विवेचना है। खाना नंबर चार में शुक्र जब भी होंगे दोस्तों तो स्त्री जो होगी वो कहीं ना कहीं खुद ऐश में रहने वाली स्त्री होगी, लेकिन पति के लिए ऐसी स्त्री योगदान दे या उसकी सपोर्ट करे ये बहुत ताउम्र ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होता दोस्तों। स्किन की प्रॉब्लम्स जो होती हैं खाना नंबर चार के शुक्र वाले को लगी रहती हैं। घर में माता और स्त्री का जो क्लेश है वो चलता रहता है दोस्तों। खाना नंबर चार के शुक्र वालों के लिए दोस्तों मेन जो कंडीशन होती है कि अगर ऐसे जातक के घर में नर औलाद पैदा हो जाए तो शुक्र के प्रभाव आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आपको नर औलाद पैदा नहीं हो रही है और आपका करैक्टर भी कहीं ना कहीं लूज है और आप नशे की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं तो शुक्र यहाँ पे आपको बुरे फल दे रहा है दोस्तों। खाना नंबर चार के शुक्र के लिए दोस्तों आपको हमेशा अपना करैक्टर ठीक रखना है, ज़्यादा इश्कबाजी में नहीं पड़ना है, झूठे वादे प्रॉमिसेस नहीं करने हैं और अपने ऊपर आपने संयम रखना है दोस्तों। स्त्री जातक का सम्मान करना है, उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। खाना नंबर चार में दोस्तों गुरुदेव उच्च के माने गए हैं तो गुरु की सपोर्ट से यहाँ पे आप शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। और शुक्र जो है दोस्तों वो चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं तो चंद्रमा की सपोर्ट के बिना भी चंद्र शुक्र के फलापोछे नहीं मिल सकते। तो चंद्रमा को अच्छा रखें, स्ट्रांग करें। चांदी की गोलियाँ अपने जेब में रख सकते हैं, चांदी की एक ईंट जो है वो अपने घर में रख सकते हैं दोस्तों। आप चांदी को जितना आप यूज़ करें, घर में गंगा जल का स्टॉक रखें, चंद्रमा आपका उतना ही अच्छा होता जाएगा दोस्तों। बुरी कंडीशंस की बात करें दोस्तों तो शुक्र खाना नंबर चार के समय में अगर आपने अपने घर में कोई कुआं या कुएं के ऊपर आपने कोई छत डाल रखी हो तो ये शुक्र खाना नंबर चार वालों के लिए ताउम्र बुरे फल ही देगा। शुक्र खाना नंबर चार में आपको अच्छे फल भी दे सकता है अगर आप अपना करैक्टर ठीक रखें। ज़्यादा इश्कबाजी, ऐशोफ्रस्ती इन चीज़ों में ज़्यादा लिप्त ना हो तो शुक्र के फल आपको अच्छे मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा इंसान अपना करैक्टर ख़राब करे या इश्कबाजी में लगा रहे, दो स्त्रियों का संबंध रखे तो ऐसे जातक का जो दिमाग होगा एक तरह से दीमक का दिमाग होगा। ताउम्र बदनामी, लड़ाई झगड़े, हेल्थ इश्यूज और मन का सुख बेचैन होगा दोस्तों। शुक्र खाना नंबर चार में आपको अपने घर की जो छत है दोस्तों वो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। छत के ऊपर कोई भी कबाड़, लोहा, लकड़ी, जंग लगे हथियार, कुछ भी ऐसा सामान जो है वो ना रखें। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि खाना नंबर 12 जो है वो हमारी छत है और खाना नंबर 12 में शुक्र देव को उच्च के बोला गया है तो शुक्र उच्च 12वें भाव में होते हैं तो 12वां भाव राहु का भी है तो कहीं ना कहीं छत जो है वो राहु से डिनोट करते हैं तो उनको अच्छा रखें, छत को क्लीन रखें अपनी। तो इन छोटी छोटी परहेजों से आप शुक्र खाना नंबर 4 के फल को अच्छा ले सकते हैं। कंडीशन चार वालों के लिए यही होती है कि अपनी वाइफ का साथ दें, उनसे चीटिंग ना करें, करैक्टर अच्छा रखें, नशे की तरफ ना जाएं और मन के सुख के लिए यहाँ पे आप चंद्रमा को अच्छा रखें, माता से बना के रखें और दूध का नाश बिल्कुल ना करें। चांदी का प्रयोग जितना आप कर सकते हैं उतना करें, घर में गंगा जल का स्टॉक रखें और नॉन वेज ड्रिंक, जुबानी, चस्का कोई भी हो उससे दूर रहें तो शुक्र के फल आपको यहाँ पे अच्छे मिल सकते हैं दोस्तों। उपायों के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर शुक्र के साथ कोई भी ग्रह हो तो आड़ू की गिटक में दोस्तों आप थोड़ा सा सुरमा भर के उसे बाहर विराने में दबा सकते हैं। चार आड़ू की गिटक में सुरमा भर के आप विराने में दबाएं तो शुक्र के फल आपको अच्छे मिल सकते हैं दोस्तों।
और जो मेन सावधानियां हैं यहाँ पे वो यही हैं कि आपको नशे की तरफ नहीं जाना है, छत को साफ रखना है और अपनी वाइफ के साथ ईमानदार रहें, बाहर कोई भी रिलेशन, एक्स्ट्रा रिलेशन कोई भी ना करें, तो शुक्र के फल आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। आने वाले बाब में हम शुक्र खाना नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।